सब्सक्राइब कीजिए ओमजी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। बिग बॉस 13 के इस सीजन की बात करें तो घर में दो कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा फेमस हैं। पहले हैं सिद्धार्थ शुक्ला एंड दूसरे हैं आसिम रियाज। जी हाँ गाइस, सिद्धार्थ शुक्ला वो हैं जो घर में आने से पहले कई सारे फैंस अपने नाम करे हुए थे, यानी कि उन्हें बहुत सारे लोग जानते थे क्योंकि वो एक्टिंग में आते थे। लेकिन गाइस, सिद्धार्थ शुक्ला के अलावा जो आसिम रियाज हैं, ये एक मॉडल थे, इन्हें बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन घर में आने के बाद ये सिद्धार्थ शुक्ला को कुछ इस तरह टक्कर दे रहे हैं कि शायद आने वाले समय में ये सिद्धार्थ शुक्ला को ओवरटेक भी कर जाए। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसिम रियाज और सलमान खान के बारे में। जी हाँ गाइस, सलमान खान और आसिम रियाज दोनों की क्या फीस बिल्कुल बराबर है, यानी कि बिग बॉस 13 में रहने की आसिम रियाज की फीस और बिग बॉस 13 को एंकर करने की, यानी कि बिग बॉस 13 के वीकेंड के वार में आने के सलमान खान की फीस आसिम रियाज की फीस के बराबर है, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमर जी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बाद में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो गाइस, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आसिम रियाज एक बहुत छोटे मॉडल हैं सलमान खान के सामने। सलमान खान बॉलीवुड के स्टार हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सलमान खान ही बॉलीवुड है और बॉलीवुड के किंग हैं। तो ऐसे में सलमान खान को बिग बॉस 13 में काम करने का पूरा 300 करोड़ मिल रहा है। जी हाँ गाइस, सलमान खान को बिग बॉस 13 को एंकर करने का पूरे के पूरे 300 करोड़ मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन गाइस, अगर हम आसिम रियाज की बात करें तो आसिम रियाज को ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख रुपए पर वीक मिल रहे हैं। 12 लाख रुपए पर वीक एक बहुत बड़ी राशि होती है, और ओवरऑल अगर मैं एवरेज निकालूं तो लगभग 2,10,00,000 के आसपास उन्हें इस पूरे बिग बॉस के सीज़न का रेट मिलने वाला है, यानी कि उनकी इनकम होने वाली है। तो गाइस, अब अगर मैं बात करूँ सिद्धार्थ शुक्ला की, तो सिद्धार्थ शुक्ला को भी इसी के आसपास की अर्निंग हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आसिम रियाज और सलमान खान का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जी हाँ गाइस, आसिम रियाज और सलमान खान के बीच पूरे 298 करोड़ का डिफरेंस है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हालांकि ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि सलमान खान ठहरे बिग बॉस यानी कि बॉलीवुड के बहुत बड़े किंग, और आसिम रियाज ठहरे बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट, जो कि अपनी पहचान बनाने आए हैं, और इस मुकाम पर भी उन्हें इतनी अच्छी पेमेंट मिलना एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे चाहिए कमेंट करके बताना। आप क्या सोच रहे थे आसिम रियाज की फीस को लेकर बिग बॉस में, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही आप क्या सोचते हैं कि कौन जीतने वाला है इस बार का बिग बॉस 13, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।